Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend in Ghana. This class is all about the introduction of complete course of the final year English honors students from SRL Delhi University. Ab yahan pe hamare paas dimag mein kafi saari cheez aati hai, and in the final year student, now we have to go with the four main papers. So we don't have any subsequent paper this year. अब चार पेपर कौन से हैं, इनको हम कैसे क्लियर करेंगे, करने का क्या तरीका होगा, एंड व्हाट वी गोइंग टू डू. वी हैव द इंग्लिश लिटरेचर 3, इंग्लिश 5, कंटेंपरेरी लिटरेचर एंड वन ऑफ द 4 दैट यू नीड टू चूज. सेम मैं पहले चूज करूंगा वन ऑफ द 4 जो आपको चूज करने हैं, उनमें बेस्ट कौन सा होना आपके लिए. द फर्स्ट द एंग्लो अमेरिकन राइटिंग सिंस 1930. मेरी प्रेफरेंस है, प्लीज डोंट गो फॉर दिस गाइस. कम नेक्स्ट वन, लिटरेचर थ्योरी, या यू कैन गो फॉर दिस, नेट में बहुत काम आता है पेपर. And then we are having the woman writing in the 19th and 20th century. Means the modern woman writing. And then the, my favorite, that's a European drama. Yeah, it will work in your net paper too. So yahan hamare paas choice hai, in which kaun sa choose karte ho, wo deal karta hai. Uski introduction definitely kal video mein aa jayegi aapko ki kaun sa paper choose kare. Uske charon ki alag video de dunga. Ab yahan hum baat karte hain main 3 papers. Sir, actually main paper ye 4B. लेकिन बाकी 3 पेपर हैं जो इनको डिस्कस करने वाले हैं. विल स्टार्ट विद इंग्लिश लिटरेचर 3. सर क्या क्या बनना है, हमें जब भी शुरू करना है तो वी गोइंग टू स्टार्ट दिस पेपर, दिस पेपर, दिस पेपर. मेरी चॉइस है, अगर आपको शुरू करना है तो स्टार्ट विद लिटरेचर 5, देन जंप टू दिस एंड दिस, और बाकी तो यू नो व्हाट यू नीड टू करने. तो सारे यहां, तो यहां से शुरू करते हैं इंग्लिश लिटरेचर 3. नंबर 1, गुलिबर ट्रैवल. सब गुली बाबा की स्टोरी पढ़ी थी ना, हाँ एक्चुअली वो नहीं पढ़ने खाली, उसमें एक ही गाने पढ़ी थी, वो लिली पीटर्स के पास जाता है. सर इसमें 4 स्टोरीज हैं, वो चारों की चारों यहां पढ़नी है गुलीबर ट्रैवल में. हमें वी नीड टू गो थ्रू बाय ओवर दीस फोर स्टोरीज, उसके सम अप क्या कैरेक्टर्स हैं, कैसे चेंजेस आते हैं, उन सबको पढ़ना है. एंड देन विल कम टू नेक्स्ट वन, सर सैमुअल जॉनसन्स पोएट्री. सैमुअल जॉनसन पोएट्री वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री वी आर हैविंग. द कलेक्शन स्टार्ट विद लंदन, द मैनेड ह्यूमन विशेस. सर द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस पेपर में कंफर्म आता है, सर लंदन भी आती है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन चेक करेंगे तो आप. देन वी हैव द ओलिवर गोल्डस्मिथ, द डेजर्टेड विलेज, द बेस्ट यू नीड टू प्रिपेयर. ये नेट जीआरएफ में भी हेल्प करेगी आपको, मास्टर्स में भी हेल्प करने वाली. देन वी आर हैविंग फ्रॉम द थॉमस ग्रे, द एल्गी रिटन इन कंट्रीसाइड, चर्चयार्ड, ऑल टू द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट. सर ऑल टू द डेथ ऑफ फेवरेट कैट, इसका क्वेश्चन रिपीटेड है अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन बार बार आता है. Then we jump to the next one, William Blake. So songs of experience, songs of innocence. सारी की सर पूरी कलेक्शन डाली हुई आपके ऊपर. आपने बोला सर, it being the chimney sweeper, the tiger, the innocent boy, सर हर चीज को हाईलाइट किया इस कोर्स में. हमारे पास सारी की सारी कलेक्शन है. This is the lengthiest paper you are having in our final year. Then come on to William Wordsworth. Sir, written have a art, the imitation, or immortality, and this Mr. Bitch. किसी को भी ये नहीं कह सकता कोई इंपॉर्ट नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्ट है. कम नेक्स्ट वन, वी आर हैविंग द एसटी कॉलेज, कुबला खान एंड रिजेक्शन. सर ये मटेरियल जो मैं बोल रहा हूं, कोई सारा का सारा आप एम इंग्लिश करते हैं आपको मिलेगा कंफर्म, किसी भी यूनिवर्सिटी, वेदर दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू, अनामलाई, जामिया, कोई भी रिस्पॉन्ड रहा, ये कोर्स मिलने वाला आपको. एंड देन वी कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज लॉर्ड बैन, चाइल्ड हेरोल्ड. सर चार पाना है, एक नहीं, चाइल्ड हेरोल्ड को पढ़ना पूरा तसल्ली से डिस्कस करना है. वी आर हैविंग पीबी शेल, द बेस्ट ऑट टू द बेस्ट वे ऑन द पोनी जी आपको. नेक्स्ट वन, ऑट टू द लिबर्टी, हार्म टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी. सो कैन आई से हार्म टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, यू कैन अवॉइड, नो यू कैन नॉट, यू हैव टू डू ऑल दीस. कम नेक्स्ट वन, जॉन कीट्स. सो द फर्स्ट, ऑट यूनाइटिंग इट टू द ऑटम, ला बेला, ऑन लुकिंग इनटू चैपमैन. लुकिंग टू चैपमैन को प्लीज कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी योर चॉइस. नेक्स्ट द मैरी शेली. सर पहले सबसे पहले इसको ही पकड़ लेना है, इस पेपर में फ्रैंकस्टाइन आपकी सबसे पहली चॉइस होगी, आफ्टर गुलिबर ट्रैवल. बैकग्राउंड रीडिंग का क्वेश्चन भी आता है कंफर्म, पहले क्लियर करना, आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. आपको पता आप एसएल स्टूडेंट है तो यहां बैकग्राउंड रीडिंग का क्वेश्चन हर पेपर में होता है. From this paper, and this paper, we are having a background reading question. एक question confirm है background reading से. तो यहाँ तो ये clear है. So friends, sign पे please ध्यान देना. This is the story that work for you. Come up to the paper number 5, English literature number 5. The first story, the Heart of Darkness. So curse.
वी नीड टू गो थ्रू, क्या सर इन सब की वीडियोस हैं? हाँ चैनल पहली बार हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें बाकी के साथ। और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस चैनल पे आपको सारी कोर्स पूरा का पूरा कोर्स मिलने वाला है। जिस इसको नोट्स चाहिए वो मेरा नंबर नीचे दिया और व्हाट्सएप डालेगा, कैन गेट द नोट्स एंड नोट्स आर नॉट फ्री, पहले मेंशन करता हूं, वीडियोस आर फॉर यू गाइस, नोट्स के लिए चार्जेस हैं। द फर्स्ट द हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसको ऑन टिप करना आपने। क्या हम नेक्स्ट सन सन अवर्स, मजा आएगा पढ़ने का, डेफिनेटली यू विल हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस। एंड देन वी आर हैविंग हियर मिसेस जालोवे, दिस इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बी मेंशन दिस पॉइंट पे चेंजेस को हाईलाइट, क्या हर कैरेक्टर को बताना है, क्या चेंजेस है किनको बताना है। एंड देन वी आर हैविंग क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोर टोल्ड, सर ये चार पांच जो है इनको प्लीज खोद के मिलना, इनका क्वेश्चन आता है द क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोर टोल्ड एक्स इन दैट ऑफ एन आर्टिस्ट, द ट्रायल ऑफ डेलिन किमाथी, सर ये ऑनटिप चाहिए आपको, दीज थ्री आई रिपीट अगेन, कैंडल क्रॉनिकल ऑफ दैट फोर टोल्ड एक्स इन दैट ऑफ एन आर्टिस्ट एंड द ट्रायल ऑफ डेलिन किमाथी। एंड देन कम अप टू पेब्लो नेरुडा पोएट, सर पेब्लो नेरुडा की बात करें सो वी हैव हर्ड दिस नेम, पेब्लो नेरुडा पोएट्री पढ़ी होगी बका आपने इसकी, यहां पे हमारे पास आती है पोएट्री, टू राइट आई कैन राइट द वे स्पेन वॉज आस्क पोएटिका डिस्कवर्स ऑफ चाइल्ड एंड ऑल टू टोमेटो, ये पोएट्री है फ्रॉम पेब्लो नेरुडा जो हमें करनी है। एंड देन वी जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, सर दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं काम करने वाली, आपने कहा सर टुनाइट आई कैन राइट द स्पेन वे स्पेन वॉज आस्क पोएटिका डिस्कवर्स ऑफ द ओल्ड चाइल्ड एंड ऑल टू टोमेटो, देन विल कम नेक्स्ट वन दैट इज सर डायरेक्ट वॉल कॉच A far cry from America, gods, monkeys, names, the sea is history. Margaret Atwood is the poetry and spelling. This is a photograph of me, procedure for the underground, the animal in the country and the land. So, ये तो क्या contemporary literature? मैंने ना पीछे jump कर दिया आपने ध्यान दिया। Jump कैसे करें यहाँ से लेकर heart of darkness, sun sun lovers and Mrs. Dalloway and then jump to this. Reason I was just checking your way you know. कितना ध्यान है, बहुत ध्यान रखना है, ये दोनों पेपर अलग अलग है और हमें क्वेश्चन आने, वापस आता हूँ थोड़ा सा जंप किया रीज का भी। यहाँ पे है डेलोवेस, डेलोवेस अंदर पोएट्री आती है डब्ल्यू बी एट सी, सब कौन से पोएट्री है लैंडस्टैन, मस्ट गो फॉर दिस, मस्ट लैंडस्टैन द सेकंड कमिंग, नो सेकंड ड्रॉ। And then we are having the same to Benjamin among school children. Among school children is the most important to be in it. Jarrah may help you. We have all poetry you will get in MA English. Mein. Come next one. T.S. Eliot. The last song for J. Prafok. Generation. Swinging among nightingales. The hollow man. Hollow man pe question aata hai 100%. Isko please dhyan rakha. Major question hoga jo hollow man pe aata hai. Melina, the waiting for whatever and look back in anger. Guys, in dono question confirm hai. Confirm question hai from these. Toh bhai, paanch toh hi aapki storylines hogi, jo aapko clear karni hai. Paanch kaun si? The heart of darkness, sons and lovers, Mrs. Dalloway's. Waiting for whatever, look back in anger. Then the poetry. Can we skip the poetry? Can we skip any one of these? Watch all the videos, main definitely papers pehle review deta hoon aapko, bata hoon aapko kaun se question karne. Wahan wo help karegi. Then come up to the next phase, the last paper we are having, contemporary literature. So contemporary literature को highlight करने, चीजों का contemporary है क्या, what is contemporary? So जो लिखी गई है, मतलब जो modern है पूछना से आज क्या लिखी जा रही है stories. So contemporary basically third world countries के लिए बोला गया contemporary literature. तो contemporary अफ्रीका एशियन writers के लिए बोला गया. तो यहाँ आता है पहला things fall apart, जो हमें ontology. सेकेंड माय सन स्टोरी, सब दो के दो पूरे क्लियर थी, दोनों में अलग चीज को हाईलाइट किया, एक्सप्लेन की हमें कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है, वो रीडिंग भी अलग हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, यू गाइस नीड टू वर्क इन अ डिफरेंट वे। कम अप टू क्रॉनिकल ऑफ दैट फोर टोल्ड एक्स इन दैट ब्रांच इन द ट्रायल ऑफ डेलिन किमाथी, ये मैंने अभी मेंशन किया था, मैंने आई वाज चेकिंग योर अटेंशन, तो गाइस प्लीज इनका ध्यान रखें। कम अप टू द नेक्स्ट पेब्लो नेरुडा और डेरेक वॉलकॉट, इन दोनों की पोएट्रीज मैंने भी हाईलाइट की थी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि आप इजीली क्लियर कर लें, तो थोड़ा रिमाइंड करके दबा दे सकते हैं, मैंने इनको एक्सप्लेन किया। अब आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे कि क्या हम फाइनल में
60% स्कोर कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ 55% चाहिए ग्रेजुएशन में बाय हुक और बाय क्रूक. तो गाइस इफ यू नॉट स्कोर 60 प्लस इन फर्स्ट टू इयर्स, नाउ इट्स योर चांस टू स्कोर लीस्ट 60-70% मार्क्स. के फाइनल इज द ईयर जहां पे आप इजीली स्कोर कर सकते हैं फर्स्ट डिविजन. सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, आपको पता होना चाहिए हमें पैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या हुआ, किन चीजों को दिमाग में रखना है, एंड देन यू कैन गेट योर मार्क्स. डू फॉलो माई वीडियोस, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई गिव यू ऑल दैट अपॉर्चुनिटी. टिल देन बाय गाइस.